जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं गरुड़ पुराण का 13वां अध्याय। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, सपिंडन की विधि, सूतक का निर्णय और सैयादान तथा पद्दान की सामग्री एवं उनकी महिमा के विषय में कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे ताचार्य, सपिंडीकरण आदि संपूर्ण क्रियाओं के विषय में बतलाता हूँ, जिसके द्वारा मृत प्राणी प्रेत नाम को छोड़कर पितृगण में प्रवेश करता है, उसे सुनो। जिनका पिंड रुद्र स्वरूप पितामह आदि के पिंडों में नहीं मिला दिया जाता, उनको पुत्रों के द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के दान प्राप्त नहीं होते। उनका पुत्र भी सदा अशुद्ध रहता है, कभी शुद्ध नहीं होता, क्योंकि सपिंडीकरण के बिना शतक की निवृत्ति अर्थात समाप्ति नहीं होती। इसलिए पुत्र के द्वारा सूतक के अंत में सपिंडन किया जाना चाहिए। मैं सभी के लिए सूतकांत का यथोचित काल कहूँगा। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन और शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। प्रेत संबंधी सूतक में सपिंडी 10 दिन में शुद्ध होते हैं। शकुल्या कुल के लोग 3 रात में शुद्ध होते हैं और गोत्रज स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। चौथी पीढ़ी तक के बांधव 10 रात में, 5वीं पीढ़ी के लोग 6 रात में, 6ठी पीढ़ी के 4 दिन में और 7वीं पीढ़ी के 3 दिन में, 8वीं पीढ़ी के 1 दिन में, 9वीं पीढ़ी के 2 प्रहर में तथा 10वीं पीढ़ी के लोग स्नान मात्र से मरणा शौच और जनना शौच से शुद्ध हो जाते हैं। देशांतर में गया हुआ कोई व्यक्ति अपने कुल के जनना शौच या मरणा शौच के विषय का समाचार 10 दिन के अंदर सुनता है तो 10 रात बीतने पर जितना समय शेष रहता है उतने समय के लिए उसे अशौच होता है। 10 दिन बीत जाने के बाद और 1 वर्ष के पहले तक ऐसा समाचार मिलने पर 3 रात तक अशौच रहता है। संवत्सर अर्थात 1 वर्ष बीत जाने पर समाचार मिले तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। मरणा शौच के आदि के 2 भागों के बीतने के पूर्व अर्थात 6 दिन तक यदि कोई दूसरा अशौच आ पड़े तो आद्य अशौच की निवृत्ति के साथ ही दूसरे अशौच की भी निवृत्ति अर्थात शुद्धि हो जाती है। किसी बालक की दांत निकलने से पूर्व मृत्यु होने पर सदा अर्थात उसके अंतिम संस्कार के बाद स्नान करने पर चूड़ाकरण अर्थात मुंडन हो, काने पर 1 रात, व्रत बंद होने पर 3 रात और व्रत बंद के पश्चात मृत्यु होने पर 10 रात का अशौच होता है। जब किसी भी वर की कन्या की मृत्यु जन्म से लेकर 27 मास की अवस्था तक हो जाए तो सभी वर्णों में समान रूप से सदा अशौच की निवृत्ति हो जाती है। इसके बाद वागदान पर्यंत 1 दिन का और इसके बाद अथवा बिना वागदान के भी सयानी कन्याओं की मृत्यु होने पर 3 रात्रि का अशौच होता है, यह निश्चित है। वागदान के अनंतर कन्या की मृत्यु होने पर पितृकुल और वरकुल दोनों को 3 दिन का तथा कन्यादान हो जाने पर केवल पति के कुल में अशौच होता है। 6 मास के अंदर गर्भस्राव हो जाने पर जितनी माह का गर्भ होता है उतने ही दिनों में शुद्धि होती है। इसके बाद अर्थात 6 माह के बाद गर्भस्राव हो तो उस स्त्री को अपनी जात के अनुरूप
अशौच होता है। गर्भपात होने पर सपिंड की सदा स्नानोत्तर शुद्धि हो जाती है। कलयुग में जनना शौच और मरणा शौच से सभी वर्णों की 10 दिन में शुद्धि हो जाती है, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। मरणा शौच में आशीर्वाद, देव पूजा, प्रत्युत्थान, आगंतुक के स्वागतार्थ उठना, अभिवादन, पलंग पर शयन अथवा किसी अन्य का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस प्रकार मरणा शौच में संध्या दान, जप, होम, जागरण, पितृतर्पण, स्वाध्याय, ब्राह्मण भोजन तथा व्रत नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सूतक में नित्य नैमित्तिक अथवा काम्य कर्म करता है, उसके द्वारा पहले किए गए नित्य नैमित्तिक आदि कर्म विनष्ट हो जाते हैं। व्रते मंत्र पुत्र, अग्निहूत, ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ, यति और राजा, इन्हें सूतक नहीं लगता। विवाह, उत्सव अथवा यज्ञ में मरणा शौच हो जाने पर उस अशौच की प्रवृत्ति के पूर्व बनाया हुआ अन्न भोजन करने योग्य होता है, ऐसा मनु ने कहा है। सूतक न जानने के कारण जो व्यक्ति सूतक वाले घर से अन्न आदि कुछ ग्रहण करता है, वह दोषी नहीं होता, किंतु याचक को देने वाला दोष का भागी होता है। जो सूतक को छिपाकर ब्राह्मण को अन्न देता है, वह दाता तथा सूतक को जानकर भी जो ब्राह्मण सूत कन्य का भोजन करता है, वे दोनों ही दोषी होते हैं। इसलिए सूतक से शुद्धि प्राप्त करने के लिए पिता का सपिंडन श्राद्ध करना चाहिए, तभी वह मृतक पितृगणों के साथ पितृलोक में जाता है। तत्वदर्शी मुनियों ने 12वें दिन 3 पक्ष में 6 मास में अथवा 1 वर्ष पूरे होने पर सपिंडीकरण करने के लिए कहता हूँ। कलयुग में धार्मिक भावना के अनित्य होने से पुरुषों की आयु क्षीण होने से और शरीर की अस्थिरता के कारण 12वें दिन ही सपिंडीकरण कर लेना प्रशस्त है। गृहस्थ के मरने पर व्रतबंध, उत्सव आदि व्रत उद्यापन तथा विवाह आदि कृत्य नहीं होते, जब तक पिंड मेलन नहीं होता, अर्थात पितरों में पिंड मिला नहीं दिया जाता, सपिंडीकरण श्राद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसके यहाँ से भिक्षु भिक्षा भी नहीं ग्रहण करता है, अतिथि उसके यहाँ सत्कार नहीं ग्रहण करता और नित्य नैमित्तिक कर्मों का भी लोप रहता है। कर्म का लोप होने से दोष का भागी होना पड़ता है। इसलिए चाहे निरग्निक हो या सार्गनिक, अग्निहोत्री 12वें दिन सपिंडन कर देना चाहिए। सभी तीर्थों में स्नान आदि करने और सभी यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल 12वें दिन सपिंडन करने से प्राप्त होता है। अतः स्नान करके मृतावस्था में गौमय से लेपन करके पुत्र का शास्त्रोक्त विधि से सपिंडन श्राद्ध करना चाहिए। पाद्य, अर्घ, आचमनीय आदि से विश्व देवों का पूजन करें और असंगति के पितरों के लिए भूमि में बिकी देकर हाथ पांव धोकर पुनः आचमन करें, तब वसु, रुद्र और आदित्य स्वरूप पिता, पितामह तथा प्रपितामह को क्रमशः एक एक अर्थात 3 पिंड प्रदान करें और 4वां पिंड मृतक को प्रदान करें। चंदन, तुलसी पत्र, धूप, दीप, सुंदर भोजन, तांबूल, सुंदर वस्त्र तथा दक्षिणा आदि से पूजन करें। तदंतर सुवर की सलाका से प्रेत के पिंड को 3 भागों में विभक्त करके पितामह आदि के पिंडों में पृथक पृथक उसका मेलन करें।
अर्थात एक भाग पितामह के पिंड में, दूसरा भाग प्रपितामह के पिंड में तथा तीसरा भाग वृद्ध प्रपितामह के पिंड में मिलाएं। हे ताचार्य, मेरा मत यह है कि माता के पिंड का मेलन पितामही आदि के पिंड के साथ और पिता के पिंड का मेलन पितामह आदि के पिंड के साथ करके सपिंडीकरण श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। जिसके पिता की मृत्यु हो गई हो और पितामह जीवित हो, उसे प्रणी पितामह पूर्व पुरुषों को 3 पिंड प्रदान करना चाहिए और पितृपिंड को 3 भागों में विभक्त करके प्रपितामह आदि उन्हीं के साथ मिलन करें। माता की मृत्यु हो जाने पर पितामही जीवित हो तो माता के सपिंडन श्राद्ध में भी पितृ सपिंडन की भांति प्रपितामही आदि में मातृपिंड का मिलन करना चाहिए अथवा पितृपिंड को मेरे पिंड विष्णु जी के में और मातृपिंड को महालक्ष्मी पिंड में मिलाएं। पुत्रहीन स्त्री का सपिंडनादि श्राद्ध उसके पति को करना चाहिए और उसका सपिंडीकरण उसकी सास आदि के साथ होना चाहिए। एक मथा अनुसार विधवा स्त्री का सपिंडीकरण पति श्वशुर और वृद्ध श्वशुर के साथ करना चाहिए। हिताचर्य, यह मेरा मत नहीं है। विधवा स्त्री का सपिंडन पति के साथ होने योग्य है। हे काश्यप, यदि पति और पत्नी एक ही चिता पर आरूढ़ हुए हो तो त्रिड को बीच में रखकर श्वशुरादि के पिंड के साथ स्त्री के पिंड का मिलन करना चाहिए। एक चिता पर माता पिता का दाह संस्कार किए जाने पर एक ही पुत्र पहले पिता के उद्देश्य से पिंड दान करके स्नान करे, तदंतर अपनी सती माता का पिंड दान करके पुनः स्नान करे। यदि 10 दिन के अंतर्गत किसी सती ने अग्नि प्रवेश किया है तो उसका शय्यादान और सपिंडन आदि कृत्य उसी दिन करना चाहिए जिस दिन पति का क्रिया किया जाए। ही गरुड़, सपिंडीकरण करने के अनंतर पितरों का तर्पण करें और इस क्रिया में वेद मंत्रों से समन्वित स्वधाकार का उच्चारण करें। इसके पश्चात अतिथि को भोजन कराएं और हंतकार प्रदान करें। ऐसा करने से पितृ मुनिगण देवता तथा दानव तृप्त होते हैं। भिक्षा 1 ग्रास के बराबर होती है, पुष्कल 4 ग्रास के बराबर होता है और 4 पुष्कले 16 ग्रास 1 हंतकार होता है। सपिंडीकरण में ब्राह्मणों के चरणों की पूजा चंदन अक्षत से करनी चाहिए और पितरों की आय तृप्त के लिए ब्राह्मण को दान देना चाहिए। वर्ष भर जीविका का निर्वाह करने योग्य धृत अन्न स्वर्ण रजत सुंदर गौ अश्व गज रथ और भूमिका आचार्य को दान करना चाहिए। इसके बाद सविस्तार पूर्वक मंत्रों से कुकुम अक्षत और नैवेद आदि के द्वारा ग्रहों देवी और विनायक की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आचार्य मंत्रोच्चारण करते हुए यजमान का अभिषेक करें और हाथ में रक्षा सूत्र बांध कर मंत्र से पवित्र अक्षत प्रदान करें। तदंतर विविध प्रकार के सुस्वादी मिष्ठानों से ब्राह्मणों को भोजन कराएं और फिर दक्षिणा सहित अन्न एवं जल युक्त 12 घट प्रदान करें। तदंतर ब्राह्मणी को वर्ण क्रम से अपनी शुद्धि हेतु क्रमशः जल शस्त्र कोड़े फर डंडे का स्पर्श करना चाहिए। अर्थात ब्राह्मण जल का छत्री शस्त्र का वैश्य कोड़े का तथा शूद्र डंडे का स्पर्श करे। ऐसा करने से वे शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार सपिंडन श्राद्ध करके क्रिया करते समय पहले
किए गए वस्त्रों का दान करे। इसके बाद श्वेत वस्त्र को धारण करके सैया दान करें। इंद्र सहित सभी देवता सैया दान की प्रशंसा करते हैं। अतः मृतक के उद्देश्य से उसकी मृत्यु के बाद अथवा जीवन काल में भी सैया प्रदान करनी चाहिए। सैया सुदृढ़ काश की सुंदर एवं विचित्र चित्रों से चित्रित दृढ़ रेशमी सूत्रों से बनी हुई तथा स्वर पत्रों से अलंकृत हो। श्वेत रुई के गद्दे सुंदर तकिए तथा चादर से युक्त हो तथा पुष्प गंध आदि द्रव्यों से सुवासित हो। वह सुंदर बंधनों से भली भात बधी हुई हो और पर्याप्त विशाल हो तथा सुख प्रदान करने वाली हो। ऐसी सैया को बनाकर आस्तर युक्त कूस या दरी चादर युक्त भूमि पर रखें। उस सैया के चारों ओर छाता चांदी का दीपालय चवर आसन और पात्र झारी या कलश गड़ुआ दर्पण पांच रंगों वाला चदवा तथा संयन नोपयोगी और सभी सामग्रियों को यथास्थान स्थापित करें। उस सैया के ऊपर सभी प्रकार के आभूषण आयुध तथा वस्त्र से युक्त स्वर की श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित करें। सौभाग्यवती स्त्री के लिए दी जाने वाली सैया के साथ पूर्वोक्त वस्तुओं के अतिरिक्त कज्जल महावर कुकुम स्त्रियोचित वस्त्र आभूषण तथा सौभाग्य द्रव्य आदि सब कुछ प्रदान करें। तदंतर सपत्नी ब्राह्मण को गंध पुष्प आदि से अलंकृत करके ब्राह्मणी को कड़ा भरण अंगूठी और सोने के कंठ सूत्र से विभूषित करें। उसके बाद ब्राह्मण को साफा दुपट्टा और कुर्ता पहनाकर श्री लक्ष्मी नारायण मूर्ति के आगे सुखसैया पर बिठाएं। सतपात्र को सैया दान करने से वांछित फल की प्राप्ति होती है और पिता तथा दान देने वाला पुत्र दोनों इस लोक और परलोक में मुदित होते हैं। सैया दान के प्रताप से दाता दिव्य इंद्रलोक में अथवा सूर्यपुत्र यम के लोक में पहुंचता है, इसमें संशय नहीं है। श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर अप्सरागणों से सेवित दाता प्रलय पर्यंत आतंक रहित होकर स्वर्ग में स्थिर रहता है। सभी तीर्थों में तथा सभी पर्व दिनों में जो भी पुण्य कार्य किए जाते हैं उन सभी से अधिक पुण्य सैया दान के द्वारा प्राप्त होता है। यम के मार्ग में महाभयंकर और विकराल तथा काले और पीले वर्ण के यमदूत मुद्रिका प्रदान करने से जीव को पीड़ा नहीं देते। कमंडलों का दान करने से अत्यंत धूप से परिपूर्ण वायु रहित और जल विहीन यम मार्ग में जाने वाला वह प्यासा जीव प्यास लगने पर जल पीता है। मृत व्यक्ति के उद्देश्य से जो ताम्र का जल पात्र देता है उसे 1000 प्रपादन का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण को सम्यक रूप से आसन और भोजन देने पर यम मार्ग में चलता हुआ जीव धीरे धीरे सुख पूर्वक पाथे भोज्य पदार्थ का उपभोग करता है। हे खग, प्रेत कार्य को छोड़कर अन्य किसी कर्म का पुनः अनुष्ठान नहीं किया जाता, किंतु प्रेत की अक्षय तृप्ति के लिए पुनः पुनः पिंड दान आदि करना चाहिए। अतः मैं विशेष तिथि पर मृत्यु होने वाले जीव के मासिक वार्षिक और पाक्षिक श्राद्ध के विषय में कुछ विशेष बात कहूँगा। पूर्णमासी तब पर जो मरता है उसका जन्म मासिक श्राद्ध चतुर्थी तिथि का होता है और जिसकी मृत्यु चतुर्थी तिथि को हुई है उसका उन्मासिक श्राद्ध नवमी तिथि का होता है। नवमी तिथि को जिसकी मृत्यु हुई है उसका उन्मासिक श्राद्ध रिक्ता तिथि चतुर्दशी को होता है।
इस प्रकार पाक्षिक श्राद्ध 20वें दिन करना चाहिए। एक वर्ष पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध में हमेशा 3 पिंड दान करना चाहिए, एकोदिश श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला पितृघातक होता है। तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध तथा गज छाया योग में, युगादि तिथियों तथा ग्रहण में किया जाने वाला पितृ श्राद्ध वर्ष के अंदर नहीं करना चाहिए। हे खगेश्वर, पितृभक्त से प्रेरित होकर के पुत्र को एक वर्ष के अनंतर ही दया श्राद्ध करना चाहिए। दया श्राद्ध करने से पितृभव सागर से मुक्त हो जाते हैं और भगवान गदाधर की कृपा से वे परम गति को प्राप्त होते हैं। दया की विष्णुपद तीर्थ में तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु की पादुका का पूजन करना चाहिए और उसके अलावा आदि तीर्थों में यथाक्रम पिंडदान करना चाहिए। जो व्यक्ति दया सिर में समी के पत्ते के समान प्रमाण वाले पिंड को देता है, वह सातों गोत्रों के अपने 101 पुरुषों का उद्धार करता है। कुल को आनंदित करने वाला जो पुत्र गया में जाकर श्राद्ध करता है, पितरों को तुष्टि देने के कारण उसका जन्म सफल हो जाता है। हे खगेश्वर, यह सुना जाता है कि देव पितरों ने मनु के पुत्र इक्ष्वाकु को कला पावन में यह गाथा सुनाई थी। क्या हमारे कुल में ऐसे कोई सर्वमार्गामी पुत्र होंगे जो गया में जाकर आदर पूर्वक हम लोगों को पिंडदान प्रदान करेंगे? ताच्छर्य, इस प्रकार जो पुत्र पितरों की आमुष्मिक परलोक संबंधी क्रिया करता है, वह सुखी होकर कौशिक के पुत्रों, कौशिक के 7 पुत्रों की कथा मत्स्य पुराण, हरिवंश पुराण तथा पद्म पुराण आदि में विस्तार से दी गई है की भांति मुक्त हो जाता है। हे ताच्छर्य, भरद्वाज के 7 पुत्र पितृ श्राद्ध के हेतु गोवध करके भी 7 जन परंपराओं को भोग करके पितरों के प्रसाद से मुक्त हो गए हैं। पिता उसको सतपुत्र प्रदान करता है, पितामह उसे गोधन देते हैं, उसके प्रपितामह उसे बहुविधि धन संपत्ति प्रदान करते हैं और वृद्ध प्रपितामह तृप्त होकर विपुल अन्न आदि प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्राद्ध के तृप्त होकर सभी पितृ पुत्र को वांछित फल देते हैं और धर्म मार्ग से धर्मराज के प्रसाद में जाकर वे धर्मराज की सभा में आदर पूर्वक विराजमान रहते हैं।